ठीक है। हेलो गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आइए, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही थी, तो लास्टली वीडियोज में हमने एडजेक्टिव देखा था। आइए आज उसके बाद, आज वर्ब का टर्म है, तो आज हम वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब क्या होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। तो अगर हम वर्ब की बात करें बाबू, तो पहले ये जो वर्ब है, ठीक है, तो ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो वर्ब कम्स फ्रॉम, ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि वर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम, ठीक है। तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब कहाँ से लिया गया है, वर्ब लिया गया है लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है, ठीक है। ये लैटिन लैंग्वेज भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे वर्ड कर लीजिए या फिर लैंग्वेज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिया गया। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें बेटा, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, तो वर्ब क्या होती है, आपने नॉर्मली सुना है कि वर्ब क्या होती है, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, या फिर एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब के अतिरिक्त ये जो वर्ब होती है हमें और भी दो तीन चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे रिलेशन के बारे में बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है, पोजीशंस को बताती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें वर्ब बताती है। तो आइए पहले समझते हैं इसके डिफिनेशन को, क्या हो जाएगा। अ वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, इज एन कर लीजिएगा, इज एन एक्शन वर्ड, ठीक है, एन एक्शन वर्ड। फिर कह सकते इसको हम क्या, तो ये रिलेशन को बताता है, ठीक है, रिलेशन को शो करता है, के अतिरिक्त पजेशंस को शो करता है, पजेशंस को शो करता है के अतिरिक्त। और ये हमें बताता है बेटा, वह हमें बताता है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, ठीक है। तो अगर हम वर्ब की डिफिनेशन की अगर समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा, अबव इज एन एक्शन वर्ड, रिलेशन मतलब जो रिलेशन को भी बताता है, जो पोजीशन को बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये जो मैंने एक्शन वर्ड कैसे होगा, कहाँ पर रिलेशन को शो करेगा, कहाँ पे पोजीशन को शो करेगा, कहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा। तो आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो हम ये जो वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, एक्शन वर्ड रिलेशन को बताएगा कैसे, पोजीशंस को या स्टेट ऑफ बीइंग को, तो ये समझते हैं कैसे वर्ब हमें ये सारी चीज़ों को बताती है। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे कहने की कोशिश करूँ, नाजिया इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है, तो नाजिया इज प्लेइंग हॉकी। तो आप इस सेंटेंस को थोड़ा गौर करिए, ठीक, समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इसे कहूँ कि व्हाट इज नाजिया डूइंग, व्हाट इज नाजिया डूइंग, नाजिया क्या कर रही है, प्लेइंग कर रही है। तो यहाँ पे जो बेटा वर्ड प्लेइंग है ये बता रहा है उसकी एक्शन को बता रहा है कि वो खेल रही है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मेरा एक्शन क्या है, मैं डूइंग क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। यू आर वीपिंग, यू आर क्राइंग, यू आर रनिंग, यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या बता रहा है, इस एक्शन को बता रहा है। फाइन, आइए अब रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम रिलेशन की बात करें, ठीक है, रिलेशन की, तो जैसे कहूँ आपसे, ठीक, मैं अगर आपसे कहने की कोशिश करूँ, द काऊ हैज टू आईज। अगर मैं आपसे कहूँ द काऊ हैज टू आईज, गाय के पास दो आंखें होती हैं, तो आंख तो होती ना बेटा, ये उसका क्या है, रिलेशन तो है ना कि उसी के बॉडी का पार्ट है, काऊ के बॉडी का पार्ट है, ठीक है, बॉडी का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है, हमको रिलेशन को शो कर रहा है। पोजेशन की अगर हम बात करें तो पोजेशन को हम क्या कह सकते, जैसे मैं आपसे कहूँ यू हैव अ कार, ठीक, तो यहाँ पे बेटा जो हैव है
ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ठीक। तो यहाँ पे ये हैव क्या बता रहा है कि आप पोजीशन को बता रहा है कि यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है ठीक है, आपके पोजीशन को बता रहा, अधिकार को बता रहा ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और लास्ट है स्टेट ऑफ बीइंग। तो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में कैसे बताएंगे, तो स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता देंगे, जैसे मैं कहूँ कि सी इज इल। अब यहाँ पे जो इल है बेटा ये क्या बता रहा है, वह है तो लेकिन कैसी है, बीमार है, यानी उसकी जो स्टेट ऑफ बीइंग है, उसकी जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है कि वह अस्वस्थ है, अनहेल्दी है या इल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्ब कैसे एक्शन वर्ड को शो करती है, फिर डूइंग वर्ड को शो करती है, या फिर रिलेशन को कैसे बताती है, पोजीशन को कैसे बताती है क्या, या फिर कैसे स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है। फाइन, तो आइए इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं।